सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की मुलाकात के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर चर्चाओं का दौर जारी है। बताते चले कि रविवार रात को देर रात देहरादून के एक होटल में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में राज्य में सियासी हलचल बढ़ने वाली है। आपको बताते चले कि बीते शुक्रवार को हरक सिंह रावत इस्तीफे की धमकी देते हुए कैबिनेट की बैठक के बीच में छोड़कर उठ के चले गए थे। दरअसल वो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाए जाने से नाराज थे और सोशल मीडिया पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया था। फिलहाल सब ठीक हो चुका है, लेकिन रविवार को हरीश रावत और हरक सिंह रावत की मुलाकात के बाद फिर हलचल शुरू हो गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ चुकी है। सीधा रुख करेंगे ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जब हरक सिंह रावत कैबिनेट मीटिंग से बीच में उठकर उसको छोड़कर चले गए थे तो ये बताया जा रहा था कि वो नाराज हैं मेडिकल कॉलेज की वजह से, कि वो उनके क्षेत्र में नहीं बना है जिसके लिए वो लगातार मांग कर रहे थे फंड की, लेकिन उसके बाद वो फंड भी जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि अब हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। लेकिन अब हरीश रावत से उनकी मुलाकात को लेकर आखिर मायने निकाले जाए, हम जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, क्या संभव है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये सब देखने को मिलेगा? तो देखिए, मैंने पहले ही दिन कहा था जब हरक सिंह रावत कैबिनेट में इस्तीफे की धमकी देकर बाहर आए थे, उसके बाद अगले दिन उनको पूरे दिन मान मनोबल का दौर चलता रहा। रात को 5 घंटे मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो मैंने यही कहा था कि सीरियल जारी है, एपिसोड दर एपिसोड आते रहेंगे क्योंकि ये द एंड नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनकी बारे में कोई भी एक फाइनल राय बनाना किसी के लिए भी कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगी, खासतौर पर मीडिया के लिए, कि उनके मन में क्या है ये पता नहीं चल सकता। ऋतु, 2016 का ही मैं वाकया अगर आपसे शेयर करूं, 2016 में हरक सिंह रावत हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री थे, बजट सदन पर रखा जा रहा था और कृषि मंत्री के नाते हरक सिंह रावत ने अपना बजट पास करवाया और उसके ठीक आधे घंटे बाद बगावत कर दी और सदन में बगावत की अगुवाई भी हरक सिंह रावत ने की। तो आप सोचिए कि आधा घंटा पहले जो व्यक्ति सरकार का ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर अपना बजट विनियोग बिल पास करवा रहा हो और आधे घंटे बाद उसी सरकार के खिलाफ बगावत कर दे और दूसरे खेमे में चले जाए, तो आप उनके बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हरक सिंह रावत उन्हीं राजनेताओं में शामिल है उत्तराखंड में। और दूसरा, जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उसमें उनकी मास्टरी है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों के दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स जानते हैं, उन्हें मालूम है कि कब हमें एक कदम पीछे जाना है, कब हमें सर झुकाना है और कब हमें प्रेशर क्रिएट करना है। तो हरक सिंह रावत भी जान रहे हैं कि इलेक्शन एकदम सामने है और बीजेपी किस समय मजबूरी है कि उनको अपने साथ थामे रखे, क्योंकि यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है और एक मैसेज गया है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है और जो लोग 2016 में बगावत करके बीजेपी में आए हैं वो लोग कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से हरक सिंह रावत को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है और आप इसी से अनुमान लगा सकती है ऋतु कि 5 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर वो रहे और डिनर करके रात के 12 बजे उनके आवास से निकले और उसके बाद ऑल इज वेल होता है। जो मेडिकल कॉलेज पिछले 4.5 सालों में नहीं बन पाया क्योंकि नियम के मुताबिक वो बन नहीं सकता था राज्य सरकार के फंड से, आनंद फानंद में 24 घंटे में उसके लिए 25 करोड़ का बजट दिया गया और उसका शासनादेश भी जारी हो गया। नियम कौन सा है कैसा है ये किसी को नहीं पता। अब ऐसे में हरीश रावत के साथ एक वो अलग से मुलाकात करते हैं, वही वो रात को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, दिन में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वेलकम करने जालीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इस समय सीन चल रहा है और जिस तरीके से कल कांग्रेस में उधम सिंह नगर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष, 24 जिला पंचायत सदस्य, बहुत बड़े संख्या में वो लोग वापस कांग्रेस में चले गए जो यशपाल आर्य के साथ बीजेपी में आए थे,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्साहित भी है। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और जोशना सबसे बड़ी बात यह कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत को लेकर यह कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों में तनातनी रहती है, एक दूसरे के विरोधी हैं, और लगातार ये बातें भी कही जाती है सियासी हलकों में, खासकर ये बातें उठती है कि भाई हरीश रावत की वजह से हो सकता है कि हरक सिंह रावत ना जाए वापस कांग्रेस में। ऐसे में उनकी ये मुलाकात तो कई मायने में कई सवाल तो खड़े करती है, लेकिन आश्चर्य की बात भी है ये कहीं ना कहीं। देखिए ऋतु, राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है और कभी भी कोई चीज द एंड नहीं होती है राजनीति में। राजनीति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें रूठा भी जाता है, मनाया भी जाता है, घर छोड़ा भी जाता है, वापस भी आया जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर यही कहा था कि उन्होंने बगावत हरीश रावत की वजह से की, और लगातार दोनों की तरफ से बहुत तल्ख बयानबाजी एक दूसरे की रही। दोनों ने कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट जाके एक दूसरे पर वार किए हैं, लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि दोनों के बीच वो तल्ख टिप्पणियां नहीं हो रही हैं, बल्कि हल्के फुल्के मजाक में टिप्पणियां हो रही हैं। हरक सिंह रावत हरीश रावत को बड़ा भाई कह रहे हैं, तो हरीश रावत हरक सिंह को कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए फड़फड़ा रहे हैं, और उनकी यही पीड़ा है कि वो गुस्से के रूप में सामने आ रही है। इस तरीके की डायलॉग डिलीवरी हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि हरक सिंह रावत लगातार दावा कर रहे हैं कि हम बीजेपी में हैं, बीजेपी की दोबारा से सरकार बनाएंगे, लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में कोई भी तय बात कह पाना बहुत मुश्किल होगा। और इन सब समीकरणों से कि चुपके से होटल में मिलते हैं, उसके बाद डिनाई करते हैं कि नहीं हम एक होटल में जरूर थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई है, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में कोई इक्वेशन यहाँ पर चल रही है। उस इक्वेशन की परिणति क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी में भी सब कुछ सही नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ना कुछ गणित हो रही है कि किसी भी तरीके से 2022 की अगर जंग को जीतना है तो सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो बीजेपी को परास्त कर सके। बिल्कुल जोशना, चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद बीआरओ द्वारा बनाए गए पुल का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी पीएम के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बताते चले कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का हल्द्वानी दौरा प्रस्तावित है। तो ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना बनी हुई है, सीधा रुख करेंगे ज्योत्सना की तरफ। ज्योत्सना, आज मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करें तो वो हल्द्वानी दौरे पर जाएंगे, उनके कई कार्यक्रम हैं, आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगे कार्यक्रमों के बारे में और कब तक वो रहेंगे, दौरा कितने दिन का है, क्या कुछ जानकारी। बिल्कुल, देखिए ये एक दिवसीय दौरा है और चुनाव सामने है तो मुख्यमंत्री के लगातार तूफानी दौरे चल रहे हैं। कल वो पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में गए थे जहाँ उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इससे पहले वो हाट काली का मंदिर गए, ये बहुत ही माना हुआ मंदिर है माँ काली का, और यहाँ पर दूर दराज से भी लोग अपनी मन्नत को मांगने आते हैं, अब मन्नत पूरी होने पर भी दर्शन करते हैं। कल मुख्यमंत्री भी खास तौर पर वहां गए, उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की जीत की कामना यहाँ पर की है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। आज वो नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रहेंगे और ये दिन भर का कार्यक्रम है। लगभग 11 बजे वो हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं वो एक कार्यक्रम जो काफी अहम है, आप जानती हैं कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है, चीन और नेपाल से इसकी सीमाएं लगी हुई है। अब बीआरओ लगातार वहां पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है तो कुछ पुलों का आज लोकार्पण और शिलान्यास रक्षा मंत्री करेंगे और वर्चुअली, यानी रक्षा मंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्योग व्यापार मंडल का भी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो सबसे अहम कार्यक्रम है जिस वजह से आज वो पूरा दिन रहेंगे, वो है प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री की 30 तारीख को हल्द्वानी में रैली है और उसके लिए मुख्यमंत्री वहां पर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करेंगे, सलाह मशविरा होगा कि कैसे किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, क्योंकि कुमाऊं मुख्यमंत्री की कर्मभूमि भी है, राजनीतिक भूमि भी है और गढ़वाल मंडल की देहरादून में एक रैली हो चुकी है और वो उतनी सफल बीजेपी नहीं मान रही है जिस तरीके से वो करना चाहती थी।
तो यहाँ की जो कोर कसम रह गई है उसको वो वहां पर पूरा करना चाहती है और उसको एक किस्म से वो एक बड़ी रैली बनाना चाहती है। तो ये सब विषय होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री की देहरादून वापसी हो जाएगी। ऋतु चलिए ठीक ज्योत्सना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पिथौरागढ़ का दौरा किया। धामी पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिथौरागढ़ जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर धामी ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास ही बीजेपी की प्राथमिकता है, इसलिए जो विकास बीती सरकारों में नहीं हो सका उसे बीजेपी सरकार ने गति दी है और जनकल्याण कई योजनाओं को चलाया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स के बाद कुमाऊं में एक एम्स की स्वीकृति पीएम मोदी ने दे दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने हाट कलिका मंदिर के दर्शन भी किए और कहा कि देवी की कृपा सब लोगों पर बनी रहे, वो ये प्रार्थना करते हैं। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए, बहुत सारे फैसले लगातार उनके लिए लिए जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है, अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है, इसी के यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा। इस बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहां पर ये बागेश्वर से कनकपुर की रेल लाइन बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ रुपए ब्लॉक के सर्वे के लिए, उसकी डीपीआर बनाने के लिए अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है। देश के अंदर आज ऐसा नेतृत्व है, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, देश के लिए अगर कोई दुश्मन आंख उठाता है, सर उठाता है, तो उसको मोटे में जवाब देने का काम हमारे भारत की सेना करती है मोदी जी के नेतृत्व में। वो इसलिए करती है कि पहले कोई दुश्मन की गोली आती थी तो उनको पूछना पड़ता था, कंपनी कमांडर पूछेगा ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाला पूछेगा डिप से, डिप वाला पूछेगा कमांड से, और कमांड से वो जाएगी सरकार के पास। बात मोदी जी के बनने के बाद एक ऑर्डर सीधे पास हो गया कि अगर कोई दुश्मन की गोली आएगी तो दुश्मन की गोली के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जवाब देना है कि नहीं देना है, अब दुश्मन की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम में हरीश रावत, गणेश गुदियाल और यशपाल आर्य की उपस्थिति में उधम सिंह नगर जिले से कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कुल 78 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और इस मौके पर हरीश रावत समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये पार्टी के लिए खुशी के क्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। बीच में राष्ट्र निर्माण और उत्तराखंड निर्माण के कुछ भावक नारों के भाव में भाजपा के साथ चले गए वो लोग फिर से कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं और यशपाल आर्या जी उस लिस्ट को माननीय अध्यक्ष जी को सौंप रहे हैं।
और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि उनके विषय में वो उसको आप सबको जारी कर देंगे। इनमें सुरेश गंगवार हमारे बहुत ही अजीज नौजवान नेता है और इस राज्य में हमारे पिछड़े वर्ग के स्तंभ हैं और तराई के में कांग्रेस के पहले खंभा रहे हैं, पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी माता श्री पिता श्री दोनों लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, दो बार उनकी मदर रही और अब उनकी धर्मपत्नी रेणु गंगवार जी जिला पंचायत की अध्यक्ष है और कई जिला पंचायत के सदस्यगण दूसरे लोग, कुछ लोग यहाँ आ पाए, कुछ लोग तो भी हमने बहुत जल्दबाजी में सब बातें कही जो नहीं आ पाए, वो 24 जिला पंचायत के सदस्यगण कांग्रेस में शामिल। श्रीमती रेणु गंगवार जी जो वर्तमान में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और उनके साथ 24 जिला पंचायत के सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस की नीतियों में कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो विचारधारा है, उसमें अपने को संबद्ध करते हुए आज उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हरीश रावत जी और केंद्रीय नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही कांग्रेस पार्टी के लिए सहज, अनुकूल और सौभाग्यशाली क्षण है कि जिसमें एक ऐसे जिले से, जिस जिले में कांग्रेस पार्टी को ऐन चुनाव के बाद एक अहम बढ़त की आवश्यकता थी, ऐसे में उस क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नेता, बहुत ही विश्वसनीय नेता, लोगों में जिनकी बैठ है, ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम प्रधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं कांग्रेस परिवार में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी अपने कार्यों के बल पर जनता के बीच जाएगी और इस बात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कांग्रेस में शामिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। पॉलिटिकल लाइन पे अगर देखा जाए तो हम एक बहुत बड़ा राजनीतिक वट वृक्ष हैं और हमारे यहां से जब जब जो जो पत्ते टूटे हैं वो पत्ते सूखे हैं, या तो बड़ी बड़ी डालियां टूट के सूख गई, वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता वो करें जो टूटे हैं और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, बहुत ताकत के साथ युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करेगी। लोग हवा हवाई राजनीति करने दीजिए, सुनार की खुटखुट खुटखुट चलने दीजिए, जिस दिन लोहार का हथौड़ा पड़ेगा उस दिन फिर कांग्रेसी। ...2017 से पहले आस्था था अपमान। ...2017 के बाद सुरक्षित माहौल। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है।
2017 से पहले भू माफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। एक बार एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 करने की मांग को लेकर सरकार से मिले आश्वासन के बाद भी ग्रेड पे लागू नहीं हो सका है और इस बात से पुलिस कर्मियों के परिजनों के सब्र का बांध टूट चुका है। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस कर्मियों के परिजन लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर ग्रेड पे 4600 करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जीओ इस पर जारी नहीं हुआ है। इसीलिए उन्हें सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उधर इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि पहले की सरकार पुलिस पे ग्रेड के मामले को लटकाती रही है, लेकिन अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ग्रेड पे लागू नहीं किया, तो यह बताता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार पर नौकरशाही हावी है। बरसों से अपने ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार कहती है कि कैबिनेट में निर्णय भी हो गया। ये कैसा निर्णय है कि कैबिनेट का निर्णय हो रहा है और शासनादेश आज तक नहीं हो रहा है? उनके आश्रित जितने भी हैं पुलिसकर्मियों के आश्रित पारिवारिक सदस्य कल भी हड़ताल में थे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार का ये व्यवहार, उपेक्षापूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि अगर कोई कैबिनेट में कोई निर्णय होता है, अगर कोई फैसला होता है, तो तत्काल उसका जीओ निकाले। लेकिन इस सरकार को तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, वो जिसका जीओ चाहते हैं निकाल देते हैं शासनादेश, जिसका नहीं चाहते हैं नहीं निकालते हैं। तो उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 3 नए मरीज मिलने से यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बताते चले कि देहरादून में 2 और हरिद्वार में 1 युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। ये तीनों लोग यमन और दुबई से लौटे हैं, तीनों को आइसोलेट किया गया है। बताते चले कि उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब बात करेंगे देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, लगातार क्योंकि देखिए कोरोना वायरस का जो यहाँ पर केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन को देखते हुए भी तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और सरकार भी अपनी तरफ से तमाम जरूरी कदम उठा रही है, आपसे फिलहाल की स्थिति जानना चाहूंगी। अरे तो देखिए, यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और अगर ओमिक्रॉन के मामले की बात आप कर रही हैं तो उत्तराखंड में वास्तव में चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल 3 नए मामले आए हैं और कुल मिलाकर 4 मामले उत्तराखंड में हो गए हैं, जिनमें से 3 मामले देहरादून में ही है और 1 मामला हरिद्वार का है। 3 मामलों में 2 बुजुर्ग हैं। ये 2 बुजुर्ग दिसंबर के पहले हफ्ते में अपने बच्चों को मिलने, अपने बेटा बहू को मिलने दिल्ली गए थे और वो लोग कतर और दुबई से आए थे। वो लोग वहां पे ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए, फिर यहाँ पर उन बुजुर्ग दंपति का टेस्ट करवाया गया तो अब वो ओमिक्रॉन वायरस से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक युवती है जो बाहर से आई है स्कॉटलैंड से, इसके अलावा यमन से आया हुआ एक युवक है जो हरिद्वार में है। तो 4 मामले ओमिक्रॉन के हो गए हैं और चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप जानती हैं कि उत्तराखंड में लगातार बाहर से लोग आते रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में भी लोग रहते हैं और ये पर्यटन सीजन भी है। आप सोचिए कि 25 दिसंबर से यानी क्रिसमस से और 31 तक मसूरी से लेकर नैनीताल औली सारे होटल फुल हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है। हालांकि सरकार बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग तो कर रही है, सैंपल ले रही है, लेकिन इन हालात में लगता है कि सरकार को कुछ और सख्ती दिखानी होगी और हो सकता है कि आज कल में सरकार कोई नई गाइडलाइन भी जारी कर दे,
जोस्टा, जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो पर्यटकों पर रोक लगा दी गई थी उत्तराखंड में आने के लिए, और इसके साथ ही जब थोड़े थोड़े कंट्रोल में आने चीजें शुरू हुई तो उसके बाद कई सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई थी। लेकिन अब जबकि ये जो चार मरीज ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे पहले होता था कि एक हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता था कि आखिर कैसे हुआ, कहां से हुआ, किसके संपर्क में आए, क्या इस तरह की चीजें भी हैं? और ये जो बॉर्डर की बात अभी आपने भी की और मैंने आपसे जो अभी बताया कि पहले बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, क्या ये भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा आगे की गाइडलाइंस में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केस में लगातार इजाफा हो रहा है, ऋतु जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग विदेश भी रहते हैं और विदेशियों का आवागमन भी लगातार होता रहता है, पूरे देश से टूरिस्ट भी यहाँ आते रहते हैं। और खास तौर पे ये लास्ट वीक होता है जो दिसंबर का, वो तो एक तरह से पैक होता है, आप भी जानती हैं कि स्नोफॉल देखने के लिए, यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाने या राफ्टिंग करने यहाँ पर लोग आते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि सरकार कुछ सख्ती दिखा सकती है, जैसे एयरपोर्ट पर लगातार चेकिंग चल रही है और खास तौर पर जो विदेश से आ रहे हैं या सेंसिटिव प्लेस से आ रहे हैं, खास तौर पर मुंबई या दिल्ली से आ रहे हैं, उनका भी टेस्टिंग हो रहा है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर भी यूपी से एंट्री करते ही रैंडम सैंपलिंग हो रही है, यानी हर एक व्यक्ति की तो नहीं लेकिन बीच बीच में छोड़ के सैंपलिंग हो रही है, टेस्ट करवाया जा रहा है। बावजूद इसके जो ओमिक्रॉन संक्रमण है इस समय वो सबसे ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जैसे आपने कहा कि ट्रेसिंग होती थी, बिल्कुल जो अभी तक संक्रमित लोग आए हैं ये ट्रेस होने के बाद ही सामने आए, इनकी पूरी ट्रेसिंग हुई है और सरकार अभी उसी थीम पर काम कर रही है, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी तरीके से टेस्ट किया गया उसके बाद वो कहाँ कहाँ किस किस के संपर्क में आया उन सबको ट्रैक करके और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही है कि पहले जैसी वाली सख्ती आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकार कतई नहीं चाहती है कि फिर से उत्तराखंड में वो हालात बने जो सेकंड वेव में बने थे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ज्योत्सना। तो रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल ओली इन दिनों क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। ऐसे में बर्फबारी होने से पर्यटकों में काफी खुशी दिखाई दे रही है, पर्यटकों के आने से होटल व्यवसायी भी काफी उत्साहित है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं।